पेट्रोल डीजल के इसके बढ़ते दामों पे रोक लगाओ। मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और बढ़ती महंगाई को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कत हो रही है और काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके खिलाफ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश के पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि की गई है, उनके खिलाफ आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरे देश के पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है और राष्ट्रपति को हम ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से कि राष्ट्रपति महोदय सरकार को बाध्य करें कि वो जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस लो। अगर वापस नहीं लिए तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी संसद से सड़क तक लड़ेगी और सरकार के खिलाफ जनता को एकजुट करके लामबंदी करेगी। इस दौरान जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मांग रखी गई कि पेट्रोल गैस डीजल के बढ़ते दामों को सरकार जल्द से जल्द वापस करे और महंगाई पर रोक लगाए।